समाज इनके आशीर्वाद के लिए तरस रहा है। ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण करके स्वयं का उद्धार तो क्या करना है इनको, इसके लिए बनाया मंदिर, क्यों बनाया मंदिर? हम तो मकान बनाते हैं कि हमारे बेटा बेटी आराम से रहेंगे, नाती पोता घर में रहेंगे, ये किसके लिए करते हैं? ये हम सबके समाज के लिए करते हैं। ये इतना बड़ा भव्य दिव्य आश्रम, मैं अभी आई थी एक महीने पहले तो यहाँ ईंटें दिखाई दे रही थी और मैंने पूछा माई जी से, महाराज से, कि महाराज अभी तो कुछ है नहीं। बोले अरे आप आओ तो कथा के पहले तैयार करवा दूंगी। और कल देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं वहीं बैठी हूँ कि कहाँ बैठी हूँ। क्या जरूरत है इनको रात दिन मेहनत करने की, धूप में दिन भर तपने की, बिना खाए पिए भूखे प्यासे रहकर ऐसे भव्य निर्माण करने की? ये केवल आपके लिए, ये दीपकपुर वालों के लिए ये निधि बन रही है, एक बहुत बड़ी संपत्ति आपके लिए बन गई है, आपने आने वाली पीढ़ी के लिए आध्यात्म का एक केंद्र बन गया है। ये केवल सम्मान के भूखे हैं, ये केवल प्रेम के भूखे हैं, इन्हें आपका कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो स्वयं इनको सिद्ध है। और जहां नारायण विराजमान हो गए तो यहां तो लक्ष्मी बुलाना नहीं पड़ती, लक्ष्मी खुद भागी चली आती है। अपने पति को कैसे छोड़कर लक्ष्मी रह सकती है बताइए? धन की कमी नहीं है, बस आपके प्रेम की, और वो आप लोग भरपूर दे रहे हो, इसका प्रमाण ये है। ये सब आपकी ही सहयोग का ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। और मेरा भी सौभाग्य है कि आज वेंकटेश भगवान के चरणों में बैठकर दोनों महाराजों के संकल्प से, और आज हम भगवत कथा श्री राम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक मन में विचार आता, हम लोग सुबह से शाम तक करते हैं पुजारी जी भी गोविंदा, सुबह से शाम तक हम गोविंद गोविंद पुकारते हैं, और दयाल माई जी महाराज के मन में ये बात क्यों आई कि कन्हैया के दरबार में, गोविंद के दरबार में राम कथा कराओ? ये संकल्प जो आप आज यथार्थ में दिखाई दे रहा है श्री राम कथा का, ये संकल्प आज का नहीं है, कल का नहीं है, इस संकल्प के पीछे एक बहुत बड़ी कथा जुड़ी हुई है। श्री राम जन्म भूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में टाट से उठकर के ठाट से विराजमान हुए 22 जनवरी 2024। भगवान 22 जनवरी को विराजमान हुए, 22 जनवरी को भगवान विराजमान हुए और 21 जनवरी को अयोध्या की पावन भूमि पर हमें दोनों परम संतों का दर्शन हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने आपको भी ससम्मान वहां आमंत्रित किया था, और हमारे साध्वियों का जो कैंप था, पूरे भारतवर्ष से हजारों साध्वियां आई थी, और उस कैंप में जब आप दोनों पधारी तो मेरे कैंप में जो थी साध्वियां, उन्होंने कहा कि नरसंत आए। मेरे मन में उत्कंठा जागी, मैं बाहर से दौड़कर सीधे इनके पास आई और दोनों देवियों का दर्शन करके मुझे बहुत आनंद आया। प्रेमपुरी माई जी ने और दयाल माई जी ने इतना प्रेम दिया, हम पहली बार मिले थे, और मैं जीवन की घटना बताऊं, मैं आपसे ही पहली बार मिली। मैंने जीवन में बचपन में भले घर में जब भाइयों का जन्म हुआ तब भले उनका दर्शन किया, परंतु वैसे मेरा आज तक कभी
संबंध नहीं हुआ पर मुझे अच्छा लगा। क्या करती हो माई? मैंने कहा कथा करती हूँ, तुम एक भजन सुनाओ। और मैंने एक भजन सुनाया और बस वही राम जन्मभूमि के अयोध्या की पावन भूमि पर आपने भजन सुनकर के वही संकल्प ले लिया कि मैं अब आपकी कथा श्री राम कथा अपने दीपक बिहार में कराऊंगी, नजफगढ़ में कराऊंगी, ये मेरा संकल्प। ये संकल्प कोई छोटा मोटा नहीं, अयोध्या का संकल्प है और वो भी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम की भव्य प्रतिष्ठा के समय पर। और इसीलिए उन्होंने, देखो आप मेरे पीछे जो चित्र लगा है, हमारे रामलला सरकार का ही चित्र लगवाया, वहां संकल्प लिया। और बीच में वार्तालाप होती रही और मुझे भी बहुत आत्मीयता हो गई। मुझे बहुत कम लोगों से आत्मीयता होती है, बहुत कम लोगों से प्रेम होता है, मैं रूखड़ हूं थोड़ी, ज्यादा नहीं, पर आप दोनों से मुझे आत्मिक प्रेम हो गया। दो चार दिन में बात ना कर लें, कभी माई जी लगाती कभी मैं लगाती तो मन ही नहीं भरता। या तो देवता आशीर्वाद देते हैं या तो किन्नर आशीर्वाद देते हैं या नाग मुनीश बड़े बड़े ऋषि महात्मा अलमात्मा साधु संन्यासी आशीर्वाद देते हैं। इनका कार्य आशीर्वाद देना है और इसी में बाबा ने इनको लिया है। सुर की नर नर नाग मुनीषा, सुर की नर नर नाग मुनीषा, जय जय कहिजे ही आशीषा, जय जय कहिजे ये ही असली।